हेलो एवरी वन एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सो फ्रेंड्स अब जो हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बेस्ड है ये बेस्ड है एराइलेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स बाय डाइजोनियम सॉल्ट तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं एरोमेटिक कंपाउंड का हम करवाने लगे हैं एराइलेशन विद द हेल्प ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है है करता क्या होता है? और एराइलेशन का मतलब क्या है देखिए एराइलेन का मतलब होता है कोई भी एराइल ग्रुप लगा होना आपको पता होगा ये जैसे कि हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल सी सिक्स एच फाइव यानी कि बेंजीन रिंग है ना एरोमेटिसिटी तो आपने पढ़ा ही होगा एरोमेटिक कंपाउंड्स है ना एराइल कंपाउंड्स क्या होते हैं आपको पता होगा अगर मैं आपको एक याद करवाऊं प्लस वन में आपने पढ़ा हो तो एराइल कंपाउंड क्या होते हैं एराइल कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो हमारे जब हमारा हाइड्रोजन जो है बेसिकली ठीक है जब हमारा हाइड्रोजन जो है वो क्या हो जाए रिप्लेस हो जाए किसी और एटम से हमारी एरोमेटिक रिंग में हम किसके अंदर बात कर रहे हैं हमारी एरोमेटिक रिंग के अंदर है ना मतलब कुछ इस प्रकार का अगर आपको मैं कहूं कंपाउंड हमें देखने को मिलता है सॉरी थोड़ा क्लियर नहीं बना इसे दोबारा ढंग से बनाते हैं देखिए जी, तो अगर मैं आपको बोलती हूं तो हमारी जो एरोमेटिक रिंग होती है ये क्या हुआ हमारा सी सिक्स एच सिक्स हुआ लेकिन यहाँ पर हम कोई और लगा दें तो हमारा एक कौन सा कंपाउंड हो जाएगा एराइल कंपाउंड कहलाएगा ठीक है यहां पर हम कोई और लगा दे या तो यहाँ एच लगा दे एच की जगह कुछ और भी लगा दे तो वो किस कैटेगरी में आएगा एराइल कंपाउंड में आएगा और एरोमैटिक रिंग हमारी कौन सी होती है एरोमेटिसिटी वो होती है जो हक्कल रूल को फॉलो करती है फोर एन प्लस टू रूल को फॉलो करती है तो हमने एराइल कंपाउंड्स का बेसिक से तो मैंने आपको बता दिया अभी बेसिकली एराइल कंपाउंड्स क्या होते थे है ना एराइल कंपाउंड आपको ये चीज तो होपफुली क्लियर हो ही चुकी होगी ठीक है अब देखो यहाँ पर एराइलेशन का मतलब क्या है ये तो आपको पता चल गया एराइल का मतलब क्या होता है एरोमेटिक कंपाउंड होगा हमारा बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ग्रुप लगा होगा ठीक है ग्रुप अभी मैं आपको बता दूंगी कैसे होता है जैसे ठीक है और यहाँ पर हमने करनी है किसकी एराइलेशन करनी है एरोमेटिक कंपाउंड की ठीक है अब बाय डाइजोनियम सोल्ट डाइजो जो डाइजोनियम सोल्ट होता है वो क्या होता है देखो डाइजोनियम का मतलब क्या होता है डाइजोनियम का मतलब होता है एन टू डाइजोनियम सॉल्ट का मतलब क्या हुआ n2x जिस पे n पे पॉजिटिव n2 पे पॉजिटिव और x पे क्या आ जाएगा नेगेटिव ये सॉल्ट बन गया हमारा अब हमने किसका करना है एरोमेटिक कंपाउंड के एरैलेशन करना है तो ये हमारा पूरा सॉल्ट क्या होगा ar n2 पॉजिटिव x नेगेटिव ये क्या कहलाएगा हमारा डाइजोनियम सॉल्ट कहलाएगा ठीक है डाइजोनियम का मतलब होता है n2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज सॉल्ट पूरा हमारा बन गया हमने इसके इसकी हेल्प से एराइलेशन करानी है एरोमेटिक कंपाउंड की अब कोई भी हम एरोमेटिक कंपाउंड फॉर एग्जाम्पल बोल देती हूँ ए आर डैश एच इसका मतलब क्या हो जाएगा मतलब हमारी एरोमेटिक रिंग होगी और उसपे हाइड्रोजन लगा हुआ है ये हमारा क्या है डाइजोनियम सॉल्ट है अब इसकी एराइलेशन करानी है इन द प्रेजेंस ऑफ ये किसकी प्रेजेंस में होता है स्टूडेंट्स ये होता है हमारे किसी बेस की प्रेजेंस में जैसे एनएच हो गया हमने ये बेस लिया बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करती है और यहां से बनता क्या है यहां से हमारी प्रोडक्शन होती है डायफिनाइल की यानी कि ये ए आर और ये एर डैश क्या होते हैं जुड़ जाते हैं यहाँ पे क्या होता है ए आर डैश बॉन्ड बनाता है एआर से इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं ब्रैकेट में बना के दिखाती हूँ आपको और अच्छे से समझ आएगा ऐसे ये क्या बन गया हमारा ए आर एआर डैश इसको हम क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं डाय फेनाएल. क्या बोलेंगे हम डाय बोलेंगे डाय प्रोड्यूस होता है और क्या होता है यहाँ से ये एन निकल जाएगा और क्या निकलेगा यहाँ से और हमारा वॉटर निकलेगा और ये एनए जो है ये क्या करता है इस X को मान लो ले, ले लेते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा एन ए लिबरेट हो जाएगा या एन ए लिबरेट हो जाएगा तो ये जो होती है इसकी जनरल रिएक्शन होती है माइडियर स्टूडेंट्स ठीक जी तो ये क्या होती है हमारी जनरल रिएक्शन होती है ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड की सिंपल ये जनरल रिएक्शन लिखी है अभी सब समझाऊंगी कैसे होता है ये जनरल रिएक्शन लिखी है आप इसको चाहे तो खोल के भी लिख सकते हो अगर इसको खोल के लिखू मैं ये ऐसे होगा यहां लगा हुआ है एच ठीक है ये मैंने ये बना दिया इसको यहां बना देते हैं ये अगर मैं बनाऊंगी तो ये बनेगा कुछ इस प्रकार से एन ट्रिपल बॉन्ड एन और यहां एक्स नेगेटिव होता है मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज है इसपे नेगेटिव चार्ज है ठीक है पक्का ठीक है ये ऐसे होता है क्लियर है अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म करके देखते हैं भी किस प्रकार से रिएक्शन प्रोसीड करती है जनरल रिएक्शन मैंने आपको नोट डाउन करवाई है जनरल रिएक्शन नोट डाउन फटाफट से कर लीजिए बहुत सिंपल सी रिएक्शन है अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स जनरल रिएक्शन तो मैंने आपको लिखवा दी अब इसमें हमें समझने की क्या जरूरत है एक बार पीछे देखते हैं जनरल रिएक्शन को भी याद करने का एक तरीका है हमें ये पता है डाइजोनियम सॉल्ट में एन टू एक्स आना है ना मतलब दोनों क्या होना है एरोमेटिक रिंग कंबाइन करके क्या बना लेंगे डायफेनाइ इतना याद रखो अब जो रह गया उसको अलग अलग कर दो एन टू अलग हो जाएगा ठीक है वाटर अलग हो जाएगा वाटर कैसे अलग होगा अब आपको एक क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे देखो ये ओ नेगेटिव है ये ओ नेगेटिव है ये इस एच को लेकर चला जाएगा वॉटर निकल जाएगा फिर ये एन ए पॉजिटिव रह गया और ये एक्स नेगेटिव रह गया तो ये भी अपना अलग से निकल जाएगा ठीक है तो जनरल रिएक्शन आप ऐसे याद कर सकते हो अब देखो इस कोई मैकेजम को पढ़ोगे ना तो और इजीली समझ आएगा लेकिन उससे पहले ना आप इसके बारे में लिखते हैं इस रिएक्शन को और हम क्या कह सकते हैं हम वो लिखते हैं तो यहाँ पे हम पीछे लिख लेते हैं इजी हो जाएगा कंपेरिजन भी हो जाएगा है ना यही लिख लेते हैं चलो वन सेकेंड ओके तो देखिए वेन डाइजोनियम सोल्ट सोल्यूशन इज मेड अल्कलाइन वेन डाइजोनियम सॉल्ट सोल्यूशन जो ये है ये वाला ठीक है इज मेड अल्कलाइन अल्कलाइन का मतलब क्या होता है आप किसी बेस के साथ उसको रिएक्ट करवा रहे हो हमने के लिए यहां पर एनएचली है तो जब आप इसको अल्कलाइन करते हो द एराइल पोर्शन ऑफ द एराइल पोर्शन ऑफ डाइजोनियम सोल्ट इसका जो ये एराइल पोर्शन है ए है ये वाला ठीक है ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट द एराइल पोर्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट कैन कपल विद कैन कपल विद अदर एरोमैटिक रिंग विद अदर एरोमैटिक रिंग ये क्या होगा ये ए आर क्या करेगा ये वाला ए आर क्या करेगा इस ए आर डैश के साथ कपलिंग शो कर देगा देखो और ये दोनों क्या कर लेंगे एयर डैश और एयर में बॉन्ड बन जाएगा और ये डायफेनाइल प्रोड्यूस हो जाएगा इस रिएक्शन को क्या कहते हैं ध्यान से नोट करेंगे स्टूडेंट्स इस रिएक्शन को क्या कहते हैं इस रिएक्शन को कहते हैं गोम्बर्ग जी ओ एम बी ई -E आर जी गोम्बर्ग या फिर गोम्बर्ग बैकमेन रिएक्शन गॉम्बर्ग बैकमैन इसको ऊपर लिख देते हुए वैसे में चलो कोई नहीं गोम्बर्ग बैकमैन रिएक्शन कहते हैं या फिर गोम्बर्ग रिएक्शन भी इसे कहा जाता है ठीक है पक्का हम इसको एरोमेटिक रिंग के साथ परफॉर्म कर सकते हैं बहुत सिंपल सा था ये हमारा ओके अब आप देखते हैं मैकेनिज्म क्या होता है हमारा गॉम्बर्ग बैकमैन रिएक्शन का यहां लिखेंगे हम मैकेनिज्म अब हम क्या करेंगे मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन बहुत सिंपल सी रिएक्शन है सबसे पहले हमें पता है हमने क्या लेना है डाइजोनियम सॉल्ट लेना है तो वो क्या होता है ए आर एन टू एक्स

एन ट्रिपल बॉन्ड एन ऐसे होगा तो ये ट्रिपल बॉन्ड यहां टूट जाएगा ठीक है और ओ OH क्या करेगा इस पे आकर अटैक करेगा ओ OH क्या करेगा इस पे आकर अटैक करेगा ओ OH नेगेटिव इस पे आकर अटैक करेगा क्लियर है ये बॉन्ड इस पर टूट जाएगा इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज जब ये बॉन्ड इस पर टूटेगा जिसके कारण ये ओ OH क्या करेगा इससे आके जुड़ जाएगा तो यहां पर क्या बन जाएगा ए आर एन डबल बॉन्ड एन और यहां आ जाएगा ओ OH. एच पहला स्टेप सिंपल है ठीक है पहला स्टेप क्या है सिंपल है अब देखो यहां पर क्या था बच्चों यहाँ पर एन ए एन एच अपन लिया था ना एन ए पॉजिटिव और एक्स निकल गए ये दोनों मैं इसको ना किसी और कलर से दिखाती दिखा आपको समझ आएगा ये जो एन ए पॉजिटिव है और ये एक्स नेगेटिव है ये एन ए मान लो एक्स की जगह सीएल है तो एन ए सी एल निकल चुका है यहाँ से यहाँ पर क्या रह जाता था एन टू पॉजिटिव रह जाता एन टू रह जाता था क्योंकि ये निकल गया अब यहां पर ये यह ट्रिपल बॉन्ड इधर आकर जुड़ेगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन्स टूटेंगे एक बॉन्ड पे दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स मैंने सेंट पे घेर दिए तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया इस पर पॉजिटिव आ गया अब ये वो एच नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ जाके जुड़ जाएगा और ये कंपाउंड हमारा यहाँ से बन गया हम नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखेगा इसी मॉलिक्यूल को फिर से रिएक्ट करवाएंगे इसके साथ तो इसको दोबारा से लिख दो डबल बॉन्ड एन ए आर और यहां से हम क्या करेंगे वाटर की रिमूवल करेंगे देखो कैसे रिमूवल करेंगे इस स्टेप को ध्यान से समझेंगे इस स्टेप को बहुत ही क्लियरली समझो देखो ये ओ OH एच और ये हाइड्रोजन ऐसे क्या करेगा इन द तो फॉर्म ऑफ वॉटर निकल जाएगा जब ये एक और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहां पर अब क्या बनेगा नीचे लिख रही हूं मैं प्रोडक्ट ए आर सिंगल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड ओ अब यहां पर ये तो निकल गया ना एच भी निकल गया यहाँ क्या आ जाएगा एन डबल बॉन्ड एन और यहाँ क्या आ जाएगा ए आर आ जाएगा पक्का क्लियर है ये स्टेप ये हमारा क्या बन गया ये हमारा बन गया, हमारा बन गया? एन हाइड्राइड ये क्या बन गया एन हाइड्राइड बन गया बहुत सिंपल सी चीज थी अभी समझाती हूँ मैंने क्या किया उससे पहले सिंपल सी चीज देख लो एन हाइड्राइड बनने के बाद क्या होगा नेक्स्ट स्टेप देखो नेक्स्ट स्टेप और भी बहुत सिंपल है नेक्स्ट स्टेप में अब आपने क्या करना है इस चीज को देखिये नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है आपका ये ए आर निकल जाएगा एक इलेक्ट्रॉन अपना लेके तो यहां से क्या बन जाएगा ए आर रेडिकल बन गया जब एक इलेक्ट्रॉन आता है एक बॉन्ड पे दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ए आर अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया ए आर रेडिकल बन गया यहां से ये एन टू क्या हो जाएंगे निकल जाएंगे ये एन टू भी क्या हो जाएंगे निकल जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा एन टू आ गया ठीक है और यहां से हमारा क्या रहेगा जब एन टू भी निकल गया एन टू भी अपने एक इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो इस इसपे भी रेडिकल आ जाएगा तो यहां से हमारा क्या बन जाएगा और रेडिकल और n डबल बॉन्ड n सिंगल बॉन्ड ar ये क्या रहेगा एज इट इज ये पूरा का पूरा क्या रह जाएगा एज इट इज रह जाएगा क्लियर है यहां से ar रेडिकल निकल गया n2 निकल गया और ये एज इट इज रेडिकल की फॉर्म में आ जाएगा अब हमारा ये प्रोडक्शन हो चुका है अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में ये जो ar रेडिकल है ना ये किसके साथ रिएक्ट करता है हमने देखो स्टार्टिंग में क्या किया था दो रिएक्टेंट लिए थे यहां देखो हमने एक लिया था ए आर डैश एच एक लिया था ए आर एन टू एक्स ए आर एन टू एक्स के साथ सारा खेल कर लिया अब ए आर एच लेके आएंगे ठीक है उसके साथ उसको रिएक्ट कराएंगे तो पहले समझो मैंने क्या किया अभी तक उसके बाद ही हम नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे हाँ जी पहले इसको समझो मैंने क्या किया मैं आपको भी इसको समझाऊंगी फिर ही हम आगे जाएंगे देखो पहले मैंने क्या किया मैं यहां लिखती हूं जो हमारी जनरल रिएक्शन है मैं ऊपर लिख रही हूं ध्यान से देखना एआर डैश एच प्लस ए आर एन टू एक्स पॉजिटिव नेगेटिव ये थी ये दो रिएक्टेंट थे फिर रिएक्शन हो रही थी एनयूएच के साथ है ना देखो अब मैंने पहले क्या किया इसका यूज किया और इसका यूज किया तो मैंने पहले लिया ए आर एन टू एक्स और मैंने एनयूएच या एनए पॉजिटिव एक्स नेगेटिव के साथ निकल जाएगा यहां पे चाहे एडिशन में लिख देना एन ए एक्स ठीक है और यहाँ पर क्या होएगा देखो अब ये N2 को मैंने खोल कर लिख दिया तो ये बॉन्ड क्या है यहाँ टूट जाएगा इस पर आएगा OH ने ने पॉजिटिव पे अटैक कर दिया नेगेटिव ने। तो इसके बीच में बॉन्ड बन गया नेक्स्ट स्टेप में यही सेम मैंने कंपाउंड लिया और वाटर की रिमूवल करी जब वाटर की यहाँ से रिमूवल करी तो बीच में इनके बीच में एक ऑक्सीजन का बॉन्ड बन के इसने एनहाइड्राइड बना दिया नेक्स्ट स्टेप में एआर रेडिकल अलग निकल गया एन अलग निकल गया और हमारा एक और रेडिकल जो है ये वाला ये अलग निकल गया क्लियर है अब अगले स्टेप में क्या होता है हमारा जो ये ए आर रेडिकल है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा ये ए आर डैश एच के साथ क्या करेगा रिएक्शन शो करेगा आइए देखिए कैसे मैंने बोला जो मेरा ए आर रेडिकल था वो किसके साथ रिएक्ट करेगा हमारा वो सिंपल सी चीज है वो हमारा किसके साथ रिएक्ट करने वाला है वो हमारा ए आर डैश एच के साथ यानी कि इसके साथ रिएक्शन शो करने वाला है सिंपल सी चीज है जब वो इसके साथ रिएक्शन शो करेगा तो यहां पर क्या होगा को समझो, इस चीज में आपको क्या देखना चाहिए आपको क्या पता होना चाहिए अब यहां पर हमारा एक कंपाउंड बनेगा ये दोनों क्या करेंगे दोनों बना लेंगे डायफेनाइल क्या बना लेंगे डायफेनाइल ये दोनों ने क्या बना लिया डाइफेनाइल बना लिया और यहां पर अब आप देखो इन द प्रेजेंस ऑफ अपना जो एक और रेडिकल बना था ना वो रेडिकल एन डबल बॉन्ड एन ए आर है ना ये क्या करेगा ये इस एच को अपने साथ ले जाएगा ठीक है ये इस एच को इसके साथ लेगा और ये ए आर रेडिकल इधर अटैक करेगा तो यहां पर डाइफेनाइल बन गया और ये एच इसके साथ जाकर जुड़ गया तो यहां पर एक हमारा प्रोडक्ट और कौन सा बन जाएगा ये वाला बन जाएगा क्लियर है तो ये हमारी क्या रिएक्शन होगी मैकेनिज्म हो गया गॉम्बर बैकमेन रिएक्शन का जहां पर हमारा क्या बन गया डायफेनाइल की प्रोडक्शन हुई सिंपल सा था इसका ये एच जो है इसके साथ जाके जुड़ गया और यहां पर क्या हो गया एक रेडिकल बन गया ठीक है क्योंकि ये एच रेडिकल की फॉर्म में निकला तो ये ओ रेडिकल के साथ जुड़ के ओ एच बना दिया तो यहां पर भी एक रेडिकल रह गया था तो एआर रेडिकल और ये रेडिकल मिलकर क्या बना दिया इन्होंने डाइफेनाइल बना दिया तो ये हमारी क्या थी सिंपल सी हमारी रिएक्शन थी जिसको हम क्या बोलते हैं गॉम्बर बैकमेन रिएक्शन एक बार फिर से आपको फर्स्ट बेच की तरफ लेके चलती हूं ये थी हमारी गॉम्बर बैकमेन रिएक्शन भी दोनों एरोमेटिक रिंग्स जो है वो कट्ठे कंबाइन हो जाएंगी एन निकल जाएगा वॉटर निकल जाएगा और एनएक्स निकल जाएगा और हमने इसको क्या किया आपको एक्सप्लेन किया तो ये था हमारा एराइलेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड बाय डाइजोनियम सोल्ट जिसमें हमने स्टडी किया गोम्बर बैकमैन रिएक्शन के बारे में सो so अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है बहुत इजी सी रिएक्शन थी समझ आ गई है तो लाइक जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और यस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नेक्स्ट वीडियोज के लिए स्टूडेंट्स एराइलेशन के अंदर बाय डाइजोनियम सोल्ट में आप सैंडमे रिएक्शन को भी एक्सप्लेन कर सकते हो और कर्तरमेन रिएक्शन को भी कर सकते हो तो बेसिकली मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर गॉम्बर बैकमेन रिएक्शन को एक्सप्लेन किया है नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे सैंडमे रिएक्शन के साथ थैंक्सॉर डियर स्टूडेंट्स डे